पर इंट्रो आ रहा है, ठीक है, और ये मिड में आ रहा है आपका द हैक। तो आपको भी जानना है कि ऐसे वीडियोस को सेगमेंट में या पार्ट्स में कट करके उनके ऊपर नाम कैसे डालते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड करके उसके ऊपर नाम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड करके उसके ऊपर नाम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप अभी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंट्रो का नाम मैंने डाला हुआ है। तो ऐसा कैसे करना है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब क्या है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बहुत कर ली बकवास, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो ये जानने के लिए कि ये कैसे करना है, मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन पर। लेकिन एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा, आप नोट कर लो कि ये काम फ़ोन से भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पीसी होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। ये सेम काम आप फ़ोन से कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा बीच में कि कैसे करना है फ़ोन से। तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज़, ये हम आ चुके हैं मेरी पीसी की स्क्रीन पर और अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये सेम चीज़ फ़ोन में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर जाएंगे YouTube पर। YouTube पर जाने के बाद हम अपना चैनल खोल लेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम अपना कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेव योर आईडी वाला। अगर आपने नहीं देखा और आप यूट्यूबर हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो यहाँ पर है और हम इसे एज इट इज खोल लेंगे दूसरे टैब पर भी, ठीक है। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। तो दूसरे टैब पर खोलने के बाद भी इसे पॉज कर दूंगा एग्जैक्टली उसी टाइम पर। अब यहाँ पर कर दूंगा एडिट वीडियो की एडिटिंग में आ जाऊंगा यहाँ पर, और सारी एडिटिंग आपकी डिपेंड करती है जो हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ टैग्स डाले हुए हैं यहाँ पर, एंटर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपका इंट्रो कब शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंट्रो सबका 0-0 पे शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट्रो रेशियो का साइन, ब्रैकेट ओपन, 0:0 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 0:19 पे मेरा द हैक शुरू होता है। मतलब आप हेडिंग तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं आप डाल देता हूँ द हैक, और ये रेशियो, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट 0:19, ठीक है। तो अब वापस एंटर कर देते हैं और यहाँ तक अपना हैक हो जाता है। और फिर इधर आ जाता हूँ, इधर हम ये हाँ 2:9। तो यहाँ पर मैं डालूंगा आउट्रो। मतलब आप इसे एंडलेस टाइम्स कुछ भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर। ये कुछ मतलब बंदिश नहीं आपके लिए कि आपको ये 3 ही बार डालना है। तो फिर यहाँ पर है हमारा 2:49, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2:49 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। अभी ये सेव हो जाएगा आपका, और जैसे अब ये सेव हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इस पेज को रीलोड करता हूँ। और रीलोड करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पर इंट्रो आ रहा है, ठीक है, और ये मिड में आ रहा है आपका द हैक, है ना, और फिर आउट्रो आ रहा है। तो अगर आपको इसे हटाना है तो आप वही एडिट पर जाइए वीडियो के और वो पूरा पार्ट डिलीट कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या हैं। उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ ये मेरे को लगाना है या फिर नहीं। तो अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको ये करना कैसे है, चाहे आपके पास पीसी है चाहे फ़ोन, डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये होता है। लेकिन आपको मैं इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताना चाहता हूँ। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा है वो है ये कि आपके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपके वीडियो को देखने आए हैं, उन्हें लगता है कि ये जो बंदा है ये बहुत प्रोफेशनल है, इसे अच्छे से वीडियो बनाना आता है, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब एक तरह से आपके सब्सक्राइबर बढ़ाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये रहता है कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ मेन पार्ट देखेंगे, इंट्रो आउट्रो एडवांटेज डिसएडवांटेज तक बहुत कम लोग जाएंगे। वो क्या करेंगे, इंट्रो लिखा है तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे मेन पार्ट पर, जो भी आपका ट्यूटोरियल है या जो भी आपने मेन पार्ट डाला हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, वो पार्ट देखा, वीडियो बंद करा। इसका जो इफेक्ट है वो ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपके वॉचर्स कम होते हैं, लेकिन हाँ एडवांटेज ज़्यादा बड़ा है। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इसका एडवांटेज सही लग रहा है क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, या डिसएडवांटेज है तो आप इसे यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके वॉच आवर्स कम हो रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आप इसे यूज़ करने वाले हो या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन हुई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसा ही अच्छा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।